हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेकंड सेमेस्टर न्यू चैप्टर यूनिट फर्स्ट राइटिंग अबाउट राइट। इन दिस चैप्टर there is a story about Tom Sawyer and it's taken from The Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain part 1. So that we start our story. Saturday morning came. Saturday ki morning aayi. All the summer world was bright and fresh and full of life. पूरे वर्ल्ड में कैसा था? ब्राइट एंड फ्रेश, प्रकाशित था और फ्रेश था और फुल ऑफ लाइफ और अच्छी तरह से फ्रेश था और लाइफ सबका अच्छा था। Tom appeared in front of the house with a paint and a big brush. मकान के सामने से दिखाया with paint and big brush। उसके पास बड़ा सा ब्रश था और पेंट, मतलब उसको काम दिया गया था पेंट करने का, तो पेंट के साथ वो दिखाई दिया। He looked at the fence. उसने दीवार को देखा। फेंस मीन्स क्या होता है दोस्तों? A barrier, railing or other upright structure enclosing an area or ground to prevent or control entry. मतलब किसी को अंदर प्रवेश करने से रोकने के लिए जो दीवार बनाते हैं, जो फेंसिंग करते हैं, उसको बोलते हैं फेंस। And full of life, मतलब lively, exciting। मतलब पूरा जो पहली लाइन में मैंने बताया कि ऑल द समर वर्ल्ड वॉज ब्राइट एंड फ्रेश, मतलब पूरा वर्ल्ड ब्राइट एंड फ्रेश दिखाई देता है एंड फुल ऑफ लाइफ। फुल ऑफ लाइफ मतलब लाइवली, एक्साइटिंग सब दिखाई दे रहा था। एंड टॉम अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस। टॉम मकान के सामने से दिखाई दिया। उसके पास पेंट पड़ा था, कलर, और ब्रश था हाथ में। He looked at the fence, उसने पूरी दीवार के सामने देखा। And all joy left him, और उसका पूरा जो मजा था वो चला गया। A deep sadness settled upon his heart. Deep sadness, गहरी उदासी, settled upon his heart, मतलब began to feel something strongly, उसकी दिल में एक निराशा आ गई, शुरू हो गई, निराशा आने शुरू हो गई। द फेंस वॉज लॉन्ग एंड हाई, उसने देखा तो फेंस दीवार ऊंची और लंबी भी थी। ही वेट द ब्रश एंड मूव इट अलोंग द टॉप वॉल। उसने ब्रश को बकेट में डाला, मतलब वेट किया, गीला किया। एम मूड इट अलोंग द टॉप बोर्ड, और उसके टॉप की दीवार के टॉप पे पार्ट पे उसने उसको चालू किया। ही डीड इट अगेन, उसने फिर से ऐसा किया। एंड डीड इट अगेन, ही लुक्ड एट वॉट ही हैड डन, और बाद में उसने देखा कि मैंने कैसा काम किया। द पेंटेड पार्ट वॉज वेरी वेरी स्मॉल, जो पेंट किया था वो पार्ट उसको बहुत छोटा छोटा लगता था। द होल फेंस वॉज वेरी लार्ज, और पूरी दीवार तो बहुत ही बड़ी थी। ही सेट डाउन, वो नीचे बैठ गया। ही फेल डेट ही कुड नॉट कंटिन्यू, उसको ऐसा लगा कि मैं इतना सारा तो कंटिन्यू कर सकूंगा नहीं। जिम A boy who worked for the family came through the gate. जिम नाम का लड़का जो फैमिली में काम करता था वो गेट से आया।
he was going to get water and he was singing happily. वो पानी भरने के लिए जा रहा था और वो खुश होके गीत गा रहा था. Tom said, Jim, I will get the water if you will paint. टॉम ने कहा कि जिम, अगर तू ये पेंट करेगा तो मैं तेरे लिए पानी भर के लाऊंगा. जिम सेड, नो, आई मस्ट गेट द वाटर. जिम ने बोला, नहीं, पानी तो मैं ही लाऊंगा, मुझे ही पानी लाना पड़ेगा. आर यू अफ्रेड ऑफ आंट पॉली? सी वॉन्ट हर्ट यू. उसने कहा, तू आंट पॉली से डरता है? सी वॉन्ट हर्ट यू, वो तुमको डांटेगी नहीं. सी टॉक्स अबाउट इट, वो उसके बारे में बात करती है. बट टॉक नेवर हर्ट, लेकिन उसकी बातों से कभी दुख हमको कुछ होता नहीं है. इट नेवर हर्ट्स एक्सपेक्ट व्हेन सी वेप्स ऑल्सो. इट नेवर हर्ट्स एक्सेप्ट व्हेन सी वेप्स ऑल्सो. जब वो रोती है उसके सिवा हमको कुछ उसकी बात पर हमको हर्ट नहीं होता, दुख नहीं होता. यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ हर, आपको उसकी बातों से कभी डरना नहीं चाहिए. जिम, आई विल गिव यू वन ऑफ माई प्ले थिंग्स. जिम, मैं आपको मेरी जो खिलौने हैं उसमें से एक आपको दूंगा. एंड आई विल शो यू माई फूट, और मैं आपको मेरा फूट भी बताऊंगा. आई विल शो यू वेयर आई हर्ट इट. आई विल शो यू वेयर आई हर्ट इट. मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ पे हर्ट हुआ है. वेयर आई हर्ट इट, मैंने कहाँ पे उसको छुपाया वो भी मैं आपको बताऊंगा. जिम वॉज ओनली ह्यूमन. जिम तो एक इंसान था. ही टूक द प्ले थिंग एंड ही पुट हिज हेड डाउन टू लुक एट द फूड. उसने ये खिलौना ले लिया. एंड ही पुट हिज हेड डाउन, और उसका सिर नीचे झुकाया. किसके लिए? फूट देखने के लिए, और नीचे देखने के लिए. इन अनदर मोमेंट ही वॉज रनिंग डाउन टू द स्ट्रीट, और दूसरी क्षण वो नीचे स्ट्रीट के नीचे दौड़ने लगा. टॉम वॉज पेंटिंग एज फास्ट एज पॉसिबल, और टॉम जितना हो सके इतना झड़प से वो पेंटिंग कर रहा था. एंड आंट पॉली वॉज रिटर्निंग टू द हाउस, और आंट पॉली घर पे वापस आई थी. आंट पॉली रिटर्न आ रही थी. नॉट इज दैट द राइटर डज नॉट टेल अस व्हाट हैपेंड दैट मेड जिम रन अवे एंड टॉम स्टार्ट पेंटिंग एज फास्ट एज पॉसिबल. आप नोटिस करो, राइटर डज नॉट टेल अस व्हाट हैपेंड दैट मेड जिम रन अवे. Writer does not tell us that what happened that made Jim run away and Tom start painting as fast as possible. Writer ने आपको नहीं बताया कि Jim क्यों दौड़ने लगा और उसको क्या हुआ था कि वो अपना पेंटिंग को जितना हो सके इतना पॉसिबल वो पेंटिंग चालू किया. द राइटर डज टेल अस दैट आंट पॉली वॉज रिटर्निंग टू द हाउस. राइटर ने हमको ये बताया कि आंट पॉली घर पे वापस आ रही. दिस मीन्स दैट आंट पॉली मस्ट हैव बीन आउटसाइड विद हिम एंड टॉम. वो बताता है कि आंट पॉली बाहर थी, आउटसाइड
जिम के साथ. दिस मीन्स डैट आर्ट पॉली मस्ट हैव बीन आउटसाइड विथ जिम एंड टॉम. टॉम और जिम के साथ वो बाहर थी, ये समझ में आता है. सो फ्रेंड्स, नाउ हियर सम क्वेश्चंस. We have completed activity first. Here are some questions. What work was assigned to Tom by Aunt Polly? कौन सा काम टॉम को असाइन किया था, कौन सा काम सौंपा गया था, उसको दिया गया था. तो टॉम वॉज असाइन टू पेंट द लॉन्ग एंड हाई फेंस आउट साइड हिज हाउस. Tom was assigned to paint the long and high fence outside his house by Aunt Polly. किसने दिया था? Aunt Polly ने उसको ये काम दिया था. Second question, what request did Tom do to Jim? What request did Tom do to Jim? तो कौन सी request? What request did Tom डू टू जिम? कौन सी रिक्वेस्ट टॉम ने जिम को किया? तो टॉम रिक्वेस्टेड जिम टू पेंट द फेंस, उसको फेंस पेंट करने की रिक्वेस्ट किया. एंड ही ऑल्सो ऑफर डेट ही वुड गेट वाटर इफ ही पेंटेड द फेंस इन हिज प्लेस. अगर उसकी जगह वो पेंटिंग करेगा तो उसके लिए वो पानी भरने भी जाएगा, वो भी ऑफर उसने दिया. And he offered that he would get water if he painted the fence in place of him. If he painted the fence in his place. मतलब दूसरी ऑफर क्या दिया? He offered that he would get water if he painted the fence in place of him. अगर उसकी जगह वो पेंटिंग करेगा तो उसके लिए पानी भी बनने जाएगा, तो उसको वो दोनों ऑफर उसने दिए. सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी फर्स्ट एंड वी विल डिस्कस एक्टिविटी टू इन अवर नेक्स्ट पीरियड. जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू.